हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको सेट स्टोरी का डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने जा रहा हूं। तो लिखिए, डी मॉर्गन्स लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, इट इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट equal to A complement intersection B complement. और second इसका part है, A intersection B का whole complement equal to A complement union B complement. तो ये statement है, हम इसको one by one prove करवाएंगे बच्चों। तो once more, अगर आपके पास दो sets हैं A and B, तो then A union B का जो whole complement होता है, A union B का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, वो अकेले अकेले का कॉम्प्लीमेंट होता है, वो ए का भी कॉम्प्लीमेंट होता है और बी का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर यहाँ पे यूनियन हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बन जाता है। और सेकंड इसकी स्टेटमेंट है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ अलग अलग चले जाएगा, तो इंटरसेक्शन जो है यूनियन बन जाएगा। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है यहाँ पे यूनियन बन रहा है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए बच्चों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेट में ले गए इस ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को, तो इसको हमने बोल दिया एक्स। एक्स क्या है, वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों, अगर एक्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए कॉमन सेंस है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। मान लो ये सेट ए है, मान लो ये सेट बी है, तो बच्चों ए यूनियन बी में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम जानते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देते हैं। तो ए यूनियन बी को छोड़ देंगे तो ये बाहर वाले, ये ब्लैंक वाला पोर्शन आ जाएगा। तो अगर एक्स ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट है ये ब्लैंक वाला, जो शेडेड रीजन है ये वाला नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक्स ये ब्लैंक एरिया में लाई कर रहा है, कहीं भी है, इसका मतलब एक्स शेडेड रीजन में नहीं है, क्वाइट ऑब्वियस। तो अगर एक्स इसमें नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हम जानते हैं A, X अगर A union B को belong करता है, तो हमें कहना पड़ता है X belongs to A और X belongs to B। हम already discuss कर चुके हैं, union हो, अगर union हो तो हम और का sign लगाते हैं, union हो तो हम और का sign लगाते हैं, and अगर हम intersection हो तो हम कहते हैं कि X belongs to A and X belongs to B। अगर union हो तो हम और का और लिखते हैं, इंटरसेक्शन हो तो एंड लिखते हैं। लेकिन अगर बच्चों, अगर बच्चों डज नॉट लिखा है यहाँ पे, एक्स ए यूनियन बी में लाई नहीं कर रहा, एक्स डजंट बिलोंग, तो फिर आपने लिखना है एक्स ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा एंड एक्स बी को भी बिलोंग नहीं करता। ध्यान रखना है, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो फिर एक्स बिलोंग्स टू ए और लिखना है, और इंटरसेक्शन में एंड लिखना है। लेकिन अगर डजंट का सही ना, डजंट बिलोंग का, तो फिर आपने यहाँ पे एंड का साइन डालना है, एक्स ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा और एक्स बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगले स्टेप में, अगर बच्चों एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, देखिए ये कोई सेट है ए, अगर एक्स ए के अंदर नहीं है, अगर एक्स इस सेट के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ पे होगा, बाहर होगा। तो बाहर कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, ये बाहर बाहर इस ए सेट के बाहर। तो अगर x a को बिलोंग नहीं कर रहा तो हमें कहना पड़ेगा x a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इन द सेम x अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा
फिर एक्स कहाँ पे है, बी कॉम्प्लीमेंट में। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स सच दैट, तो ये एन का साइन आ गया, तो एन का साइन अगर हटाना है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको सेट से बाहर लेके आना है तो आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सेट में नहीं लिखना, कभी बेटर में नहीं लिखना, तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए जो इसको सिंपली लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यही तो हमें प्रूव करना, हेंस प्रूफ राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट्स मोर, व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ, कि डी मॉर्गन ने क्या बताया कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है वो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, यूनियन के केस में इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन केस में यूनियन बन जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में, इसको सेट में लिखना है, तो सारे एलिमेंट्स को मैंने एक्स बोल दिया, जो भी इसके पास है इसको मैंने एक्स बोल दिया, एक्स कौन है, इसका एलिमेंट है, बिलोंग्स करता है, एक्स इसका एलिमेंट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों फिर हमने लिखा अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए यूनियन बी ये होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनियन को छोड़ दो, तो जो खाली वाला हिस्सा बचा, तो अगर ये खाली वाले हिस्से में एक्स है तो इसका मतलब एक्स शेडिडिज्म में नहीं होगा, क्वाइट ऑब्वियस। अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए में ए के पास भी नहीं है एंड एक्स बी के पास भी नहीं है। तो आपको याद रखना है नॉर्मली हम यूनियन में और वर्ड यूज करते हैं और एंड में हम और इंटरसेक्शन में एंड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर डजंट भी लोग लिखा ना डजंट का साइन हो तो फिर आपने एंड यूज करना है, और यहाँ पे डजंट हो तो और यूज करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे डजंट है तो यूनियन क्या लिखा, एक्स डजंट बिलोंग टू ए, तो यूनियन में बेसिकली और आता है लेकिन डज नॉट का साइन हो तो एंड आता है। तो एक्स अगर ए को बिलोंग नहीं कर रहा, अगर एक्स ए का एलिमेंट नहीं है तो फिर वो कहाँ है, ए के बाहर होगा, बाहर कौन है ए कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इन द सेम एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो एन को अगर छोड़ना है तो क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू एन को छोड़ना है तो इंटरसेक्शन का साइन डाल दो, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर सेट से बाहर आना है तो सिंपली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, व्हिच इज नथिंग बट अवर लेफ्ट साइड हैज को। इसी तरह सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का, देखिए सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे, हमें प्रूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम जानते हैं डैश से भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों, तो अकेले अकेले का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन, यूनियन हो तो इंटरसेक्शन। तो हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम सेट में लिख रहे हैं, तो एक्स लिख दिया सच दैट एक्स कौन है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सेम वे बच्चों एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, देखिए ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है, ये बी है, हम जानते हैं इंटरसेक्शन ये ओवरलैप कॉमन हिस्सा होता है कॉमन, तो बच्चों एक्स ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये शेडिज को छोड़ दोगे ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, तो एक्स अगर ये खाली हिस्से में है, ये शेडिड में नहीं है, इतने एरिया में नहीं है, तो फिर एक्स कहाँ पे होगा, तो फिर देखिए एक्स अगर इसमें है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। आई होप क्लियर है। तो बच्चों फिर अभी सेम अभी मैंने बताया था, अगर एक्स ऐसे लिखाओ बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन को एंड का वर्ड एंड यूज करते हैं एंड, लेकिन अगर डजंट लिखा हो अभी बताया मैंने तो फिर हम और लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं, एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा या एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। अब कैसे लिखेंगे, एक्स अगर ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट को, और एक्स अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा किसको बिलोंग करेगा, एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो बच्चों अब और को हटाना है तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर सेट से बाहर आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अवर राइट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में
एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, आज आप इस लॉ की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।